कोरोना वायरस के चलते पूरा देश इस समय लॉकडाउन है। ऐसे में काम को लेकर बाहर रह रहे लोगों का अपने गृह राज्य लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। ताजा मामला नागौर का है, जहां पुलिस ने गुजरात सहित कई राज्यों से अपने गांव लौट रहे मजदूरों से भरे ट्रक को रुकवाया। नाकेबंदी के दौरान प्रशासन ने ट्रक से 282 लोगों को बाहर उतारा और सभी लोगों की स्क्रीनिंग भी करवाई गई। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जुगल किशोर सैनी ने बताया कि शहर से आने वाले लोगों की राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराई गई है और उन्हें अपने घरों में रहने की इन सभी लोगों से अपील इस दौरान की गई। वायरस के चलते पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, वहीं प्रदेश लॉकडाउन के चलते बाहर से आने वाले लोगों का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं प्रशासन हाई अलर्ट है, चिकित्सा विभाग बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग जांच कर रहा है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जुगल किशोर सैनी ने बताया कि 282 लोग बाहर से आए थे, इनकी सभी की स्क्रीनिंग जांच की गई और सभी को होम आइसोलेशन के लिए रवाना कर दिया गया है। A1 टीवी के लिए क्यूंसर से कमल किशोर तंवर की रिपोर्ट। फिलहाल